पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का गांव दिखाने वाले हैं, गढ़ा गांव। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? एक कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप जानते हैं बाबा के बारे में? तो ये गांव में नाली वगैरह बज बजा रहा है, नाली की व्यवस्था है, बाबा क्यों नहीं बनवाया अभी तक? सरकारी नाली है, सरकार बनवा है अभी, बाबा का। बाबा जी के बारे में जानते हैं? बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हमने जाना ही बेटा। उनके छोटे भाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमेशा न्यूज में आते रहते हैं। गांव में पहले कुछ नहीं था, जो कुछ है सब उन्हीं की देन है। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम की बड़ी अद्भुत यात्रा में आपने पर्ची वाले बाबा जी का नाम सुना होगा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। जो कोई भक्त उनके सामने आता है तो उसको देखते ही उसकी समस्या बता देते हैं कि तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर में ये समस्या है, और उसका समाधान भी बता देते हैं। और उन्हीं का ये है गढ़ा गांव। यहाँ पर बालाजी महाराज सिद्ध शक्तिपीठ है, जहाँ पर उनका गांव भी है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज आपको दिखाई, यहाँ का धाम आपको दिखाया, यहाँ का भंडारा घर आपको दिखाया, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का गांव दिखाने वाले हैं, गढ़ा गांव। और गांव में चलेंगे और पंडित जी का घर भी आपको दिखाएंगे, उनका घर कैसा है, उनका गांव कैसा है, और गांव के लोगों से बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के बारे में। तो आज रहस्य से पर्दा उठेगा, बाबा जी का आज भेद खुल के रहेगा उनके गाँव के लोगों के द्वारा। तो चलिए शानदार यात्रा शुरू करते हैं। और हमारे साथ यात्रा करेंगे हमारे कैमरामैन प्रमोद प्रजापति जी। तो पूरा गांव दिखाएंगे आज? हाँ बिल्कुल, पूरा गांव दिखाएंगे। यहाँ से कितना दूर है धाम से? यहाँ से लमसम 1.5 किलोमीटर है। तो चलिए गढ़ा गांव महाराज जी के गांव की यात्रा शुरू करते हैं। ये देखिए हनुमान जी का गद्दा है, और ये सिद्ध पीठ बागेश्वर धाम तीर्थ बालाजी जो मंदिर है उसका मेन प्रवेश द्वार है। और पहले हमें धाम से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको बिल्कुल सीधे जाना है, इधर उधर नहीं मुड़ना है। ये देखिए पूरा बागेश्वर धाम का पूरा यहाँ का मार्केट। यहाँ पर हर सामान आपको मिलेगा, पूजन सामग्री का, माला वगैरह, चुनरी वगैरह यहाँ पर आपको मिलेगा, झंडा मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे मिष्ठान भंडार भी है, बहुत सस्ते में मिठाई आपको मिलेगा, शुद्ध बिल्कुल। और धाम से जैसे थोड़ा सा आप अंदर जाएंगे तो यहाँ से गढ़ा गांव शुरू हो जाता है, बागेश्वर धाम का गढ़ा गांव। ये देखिए गढ़ा गांव का रास्ता, इतना फेमस है बाबा, लेकिन उनके गांव में जाने का जो रास्ता है वो रास्ता अभी तक रोड नहीं बना है, बड़े ताज्जुब की बात है। धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा और हमें उम्मीद है कि रोड भी बिल्कुल चकाचक बनेगा। नाली भी ढंग का नहीं है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। अच्छा ये बाबा का गांव है ना, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? यही गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं? आप जानते हैं बाबा को? बाबा को जानते हैं? जानते हैं हम। तो बाबा के बारे में कहा जाता है कि मन की बात जान लेते हैं, दुख दर्द दूर कर देते हैं। अब का पता बाहर करते हैं, अभी तो हमें देखा ही नहीं है। आप उनके गांव के रहने वाले, आपको नहीं मालूम? मालूम तो बाहर करते हैं, अभी तो कहाँ करते हैं। अच्छा आप क्या बताएंगे बाबा जी के बारे में? ये हमें नहीं पता साहब, हम बाबा के बारे में नहीं जानते। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? एक कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप जानते हैं बाबा के बारे में? बाबा को इस तरह से हल्के में लोग ले रहे हैं। जो बाबा हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जानते हैं बाबा को? आओ। अच्छा बाबा मन की बात जान लेते हैं। आओ। सही बात है उसमें? आओ, आओ, सही है बात, सच्चाई है। आओ, आओ, सही बात यही। और दुख दर्द दूर कर देते हैं? आओ। तबियत खराब जैसे कुकू कछु लागो भागो भागो भाजो कछु, हाँ आओ, सब सही कह देते। अच्छा तो गाँव में उतना सड़क वगैरह अभी तक बाबा नहीं बनवाए? कहा सड़क नहीं है गाँव? डर याद ही साहब वाले सरपंच के उम्र रात नहीं सरपंच नहीं करवा रहा, उनकी खोई नहीं। अच्छा सरपंच की गलती। तो बाबा को जानते हैं आप? जी जानते हैं। तो बाबा अच्छे इंसान हैं? जी बहुत अच्छे इंसान हैं। गांव खोल ने बदल लिया है। अच्छा हाँ, गांव में पहले कुछ नहीं था जो आज है।
अच्छा गांव का नक्शा बदल दिया। हाँ, जो कुछ है सब उन्हीं की देन है, बाबा जी की देन है। बाबा जी की देन है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बाबा ढोंगी पाखंड को बढ़ावा देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जे जो लोग कहते हैं राजा चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, वो तो वो ही बात होगी। वाह क्या बात है, आपने सच्चाई बयान कर दी। तो ये लोग तो बाबा के बारे में बोले हैं। अच्छा, आपके गांव के ही बाबा हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, बाबा को जानते हैं? हाँ, सबको जानते हैं। जानते हैं तो बाबा दुख दर्द दूर कर देते, क्या सच्चाई है? सब का चुगा अच्छा करते। आप लोगों का दुख दर्द दूर किए हैं? हाँ, सब करते। अच्छा, बाबा मन की बात जान लेते हैं, सच्चाई है इसमें? हाँ, जाना था ये तो। कैसे जान लेते हैं? सब जानते हैं, उनके पास वो है तो वो जानते हैं। अच्छा, उनके पास शक्ति है? शक्ति है, सिद्धि है बाबा के अंदर। तो ये गांव में नाली वगैरह बजा रहा है, नाली की व्यवस्था है, बाबा क्यों नहीं बनवाया अभी तक? सरकारी नाली है, सरकार बनवा है अभी, बाबा का कहेगा। तो बाबा का इतना नाम है पूरे दुनिया में, नाली नहीं बनवा सकते? जब आता लग भगवान ने हमको बता दिए बाबा की नाम सरकार की। अच्छा, ये सरकारी सरकार नहीं बनवा रही है? सरकार को काम है ये तो भाई। आपके गाँव के है ना? तो बाबा आपके गाँव में नाली वगैरह नहीं बनवाया अभी तक? अच्छा, नहीं। क्यों? क्या पता है। तो बाबा में आप लोगों का भक्ति है? हाँ, हैं? हाँ, मानते हैं बाबा को? हाँ, सिद्धि है? हाँ। और थोड़ी ही देर में अभी हम बाबा जी के घर आपको दिखाने वाले हैं। यही वाला ना? अच्छा, बाबा जी के बारे में जानते हैं? बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हमने जाना ही बेटा, हम तब मिल जाए तो ना राजी खुशी बात, कहा जानने हमें। दोस्तों, आज हमने बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो गांव है गढ़ा गांव की यात्रा की, उनका घर आपको दिखाया और लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ गाँव के लोग बाबा जी के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बहुत कम लोग ही बाबा जी के बारे में कुछ बोले, पता नहीं क्यों। शायद हो सकता है उनका छोटा भाई के बिहेवियर के कारण, जो कि आम आए दिन न्यूज़ चैनल पे आते रहता है, कारण कुछ भी हो, पर गांव के लोग बोलना नहीं चाहते हैं बाबा के बारे में। और दूसरी बात कि गांव काफ़ी डेवलप्ड है, पर यहां पर नाली अभी तक नहीं बना है, सड़क यहां पर नहीं बना है। आप इसी गाँव के रहने वाले, गढ़ा गाँव? हाँ जी सर। तो बाबा के बारे में जानते हैं? हाँ, बड़ी जानते हैं। हाँ, तो बाबा के बारे में बहुत सारे बातें होती हैं कि मन की बात जान लेते हैं, क्या हम मन की बात जान लेते हैं बाबा? हम पूरी बालाजी की सिद्धि है। हाँ। बालाजी सही काम करते हैं। हाँ। तो बाकी सभी का मनोभावना पूरी, जो मंदिर आप सभी की, लेकिन गांव के लोग उनके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्यों? नहीं, खूब होते हैं, हमारी तरफ से तो खूब होते हैं, जिसकी तरफ से ना होते हैं तो बेजाने विरोधी बारे पाते हैं, नहीं सभी की तरफ। तो उनका विरोधी गांव में भी है बाबा का? नहीं, कोई विरोधी नहीं है, फिर तो गाँव में एक दूसरे से बनी रात हो, कोई में कोई से नंता हमारे बारे में पूरा मन। उनके छोटे भाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमेशा न्यूज में आते रहते हैं। हमने जो छोटे भाई हमारे लिए सही है, हमारे लिए तो सवाई को सही। कोई कहते हैं कि मारपीट करते रहते हैं? जो कोई बात हो तो का तो हम नहीं कही, हमारे लिए तो सही। अच्छा, छोटे भाई की सही है? हमारे लिए पूरा परिवार उनको सब सही है हमारे लिए। ये तो पूरा एकदम गुणगान कर रहे हैं। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इस बाबा के बारे में यहाँ पर बहुत सारा की बातें चलती हैं कि मन की बात जान लेते हैं, जानते हैं मन? सही बात है। हाँ, बिना आपके नाम पता का आपके बारे में सब कुछ लिख करके और फिर आपको बुलवा करके एक नहीं अनेकों पर्चा में से बोलेंगे कोई भी पर्चा निकालो, जो आप पर्चा निकालेंगे वही पर्चा आपके समस्या को लेकर के उभरेगा। एक कोई ट्रिक तो नहीं है? अब ऐसा तो कुछ नहीं है, ट्रिक होता तो और लोग भी ट्रिक लगाते बताते, लेकिन ऐसा कुछ तो अभी नहीं आया है। मात्र 29 साल के उम्र में डंका बजा दिए पूरे विश्व में। हाँ। अपना भारत तो भारत है, विदेश के लोग कायल हो गए, धाम आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ रहने के लिए जमीन तलाश रहे हैं कि मिल जाए तो मकान बना के इस बैकुंठ में ही पड़ा रहूं। तो गढ़ा का कायाकल्प हो गया? कायाकल्प हो गया, लेकिन भूत प्रेत को जिस तरह से बढ़ावा देते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, तो पाखंड अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भूत होता ही है। भूत होता है, भूत योनि होता है, और इसको जो लोग नहीं मानते हैं
तो नहीं मानते हैं तो परेशान होंगे और अंततः आकर के फिर यहीं सिलेंडर करेंगे और यहीं से उसका निदान भी होगा। बाबा जी उसके लिए कुछ लेते थोड़े हैं किसी से, लेते नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? हो रहा है, आप है, आपका काम हुआ, आप कर दिए, मेरा काम हुआ, हम सहयोग कर दिए। यहाँ प्रतिदिन नॉर्मल दिन में जब बाबा जी नहीं है फिर भी 8 से 12 हजार लोग सुबह और 8 से 12 हजार लोग शाम यहाँ अन्नपूर्णा में निःशुल्क भोजन करते हैं। बाबा जी का जो बना हुआ शेड है इसमें दरबार लगता है, जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें लोग निःशुल्क कूलर पंखा एसी के नीचे सो रहे हैं।